रूम पे पड़ा है, उसमें जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि जो 50 वर्ष से जो बुजुर्ग 60 वर्ष जेल में नहीं रखा जाएगा, उसके बावजूद भी हमारे बाबूजी के साथ दुगला व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या समझ, क्या क्या गलती है? वर्षों से हमारे जो गुरुदेव सेवाएं पहुंचा रहे देश को, संस्कृति के कारण, मतलब मातृपितृ पूजन के दिवस के कारण, दूसरा है मतलब गौशाला, जो गौओं की हत्याएं रोकी गई, जो गोशी आश्रम में आज भी जा सकते हो, देख सकते हो कि जो समर्पित साधक है आज भी उन्होंने अपना घर त्यागा है, अपने आप को त्यागा है इस चीज के लिए, कहीं ना कहीं देश की संस्कृति के लिए। क्योंकि जो हम हर साल जो हर साल दरिद्र नारायण की हरिओम, मेरा नाम रोहिणी शर्मा है और मैं आज यहाँ पर महिला दिवस के मौके पर यहाँ पे उपस्थित हूँ। अभी मेरी प्यारी बहनें ये बयान दे रही थी कि बापूजी के लिए कि कितने पूज्य गुरुदेव के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं, मैं अपनी बात आप सबके सामने रखूं। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि मीडिया जो है ये किसी भी देश की प्रगति के लिए चौथा स्तंभ माना जाता है। तीन स्तंभ साथ हो तो कोई कार्य नहीं बनता जब तक चौथे स्तंभ की सपोर्ट ना हो। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पर हमारी बात सुनने के लिए आए। अब यहाँ तक बात सुनने की बात है, हर साल हम महिला दिवस पे इकट्ठे होते हैं, सिर्फ इधर जम्मू में ही नहीं या पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, दुनिया के हर कोने से ये आवाज़ आ रही है कि बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। छोटे बच्चे से लेकर के आप किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति तक चले जाइए, आज ऐसी स्थिति है कि सबको मालूम है, सबको ही मालूम है कि बापू निर्दोष हैं। अब आप ही ये मुझे बताइए कि एक 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत, एक 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका लोहा आज दुनिया मान रही है। अब हम जो हिंदुत्व जो है, हिंदू संगठन जो हैं, वो सर उठाकर के बात कर सकते हैं कि हम हिंदू हैं। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने देश की कुर्सी संभाली तो हमें एक उम्मीद थी, हमारे मन में भी एक दुख की चिंगारी नहीं बल्कि एक खुशी की चिंगारी थी कि अब हमें न्याय मिलेगा, अब हमें न्याय मिलेगा। और वो न्याय को देखने के लिए, वो न्याय को सुनने के लिए हमें अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए हमारी आंखें तरस गई और उस न्याय को सुनने के लिए हमारे कान तरस गए और बार बार हमारे दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि बापू जी के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? हर एक केस के लिए आप कोई भी केस देख लीजिए, जितना भी देखिए, प्रशासन से हमारी मांग जो है वो यही है कि सबसे पहले तो उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए, उन्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाए। आप ही मुझे ये बताइए कि जिन्होंने अपने 70 साल जो हैं वो जिन्होंने आयुर्वेदिक जीवन में अपने बिताए हों, वो अब उनको एलोपैथिक दवाइयां जो हैं वो दी जाएं, तो ये तो उनके शरीर के लिए जहर हुआ ना। अब एक बात यहाँ पे सामने सामने दिखाई देती है कि इतनी देर से एक दिन के लिए भी गुरुदेव को पैरोल जो है वो नहीं मिली, एक भी दिन के लिए, मतलब 11 साल 5 महीने हो गए और ऐसा क्या कारण है कि उनको एक भी दिन के लिए पैरोल नहीं थी? इवन के आश्रम में इतना इतना कुछ हुआ, माता जी इतनी बीमार रहीं, दीदी की सेहत बीच में ठीक नहीं रही और यहाँ तक बापू जी की बात है, इस 86 साल की उम्र में उनको हार्ट ब्लॉकेज 99% 90% 75% और इतना उनको मतलब रक्तस्राव, वो एनीमिया से पीड़ित हैं। अब हमारी देश की सरकार क्या चाहती है हम नहीं जानते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दिल से हमें, हमारा दिल गवाही देता है कि हमारे साथ ये बेइंसाफी हो रही है। यहाँ तक मैं पूज्य गुरुदेव की बात करूँ, उनकी शिक्षाओं की बात करूँ, उन्होंने ऐसी शिक्षाएं हमें दी हैं।